सो हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपनी मदरबोर्ड का, जो कि है B760M मदरबोर्ड, इंटेल की तरफ से आने वाला 12-13 जेन सपोर्ट एंड अप टू नेक्स्ट जेन, ऐसा वेबसाइट क्लेम करती है, बट पता नहीं नेक्स्ट जेन सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो ये हमने मंगाया है MD कंप्यूटर से, बाय पूरा फुल पैकिंग है, कॉर्नर से फाड़ना चाहिए। तो MD कंप्यूटर से मेरा बाय द वे आई थिंक दूसरा पार्सल होगा, एंड भाई लोग इतना अच्छा खासा टेपिंग मारते हैं ना, मतलब बबल रैप लगाती है बहुत तगड़ा, ये बुराई नहीं एक्चुअली, अच्छा फन मतलब अच्छा है, फन पे अच्छा होगा। निकाल लेता हूँ, मेरा कुरियर एड्रेस जरूरी नहीं है, कहाँ गया, छोड़ वीडियो लंबा नहीं करना इतना, मेरा बिल अंदर तो ये दूसरा कुछ होगा भाई, समझ में नहीं आ रहा फाड़ू किस तरफ से, शुरुआत किस तरफ से करूँ, रियली टेप को इतना मार रखे ना, तुम समझ में नहीं पाओगे शुरुआत हमें कहाँ से करना। बबल रैप के अंदर एक फॉर्म टाइप में भरा हुआ है, बबल रैप है इसके अंदर फॉर्म है पूरा, अनबॉक्सिंग करने में 3-5 मिनट का वीडियो जा रहा पूरा, बाहर फुल वीडियो करना ज़रूरी है, कभी भी अगर ऑनलाइन तुम्हारे घर पर डिलीवरी आता है तो, क्योंकि तुम्हारा पास एविडेंट रहता है भाई अनबॉक्सिंग के टाइम ही, जो डिफेक्टिव पीस मिला है या जो भी मिला है तो तुम्हारे पास एविडेंट रहता है। भाई अगर अनबॉक्सिंग कभी भी करो सोच समझ के ध्यान से करना, देखा ना कि अगर तुम्हें किसी को दिख गया था एविडेंस के तौर पे कि भाई तुमने बकचोदी किया है अनबॉक्सिंग करते वक्त, तो हाँ तुम्हारा वारंटी या फिर रिटर्न रिप्लेस जो भी है तब वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर्म लगाने के बाद भी अलग से एक फुट्टा है, बाय द वे इसका पार्सल मुझे कल डिलीवरी हुआ, इसको मैं आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ एंड आज ही इसका रिव्यू करूँगा। ये रहा इसका बिल में भी, लेकिन मुझे पड़ा करीबन 11,820 रुपीज़ का, एक अच्छा है इस रेंज में, इस प्राइस में मुझे 13 जनरेशन सपोर्ट वाला मदरबोर्ड मिल गया और मे बी नेक्स्ट जन अप टू, सील पैक नहीं है दादा, सील पैक नहीं रहता है क्या, सील पैक नहीं मिला, आई डोंट नो, 60 केबल दो रहता है हमेशा की तरह, मैनुअल बुक, एक्स्ट्रा स्क्रूज, इसकी भी एक्सक्यूज रहती है क्या रियली, और सर एक एक दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा स्क्रूज एंड ये रहा अपना मेन मदरबोर्ड को मैं अभी खोलूंगा नहीं, जब पीसी बिल्ड करूंगा उस टाइम बढ़ाए लाइव स्ट्रीम करूंगा, बाय द वे ये आई थिंक खुला होना चाहिए, यहाँ खुला है उसको हम बाहर निकाल के थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा मदरबोर्ड है सेम प्रोसेसर के लिए दूसरा मदरबोर्ड,
इसके नीचे एक फॉर्म टाइप का दिया हुआ है, इसके ऊपर रख के अनबॉक्सिंग मतलब पीसी बिल जो भी करना वो कर सकते हो तुम। मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। इसके एक खासियत चीज़ क्या पता है, इधर एक M.2 तुम देख रहे हो, M.2 का स्लॉट है, इधर एक M.2 का स्लॉट है, बट उसके अलावा एक M.2 वाईफाई का स्लॉट है जो कि छोटा सीख रहा था, जो एक्सटर्नल तुम्हारा मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है स्लॉट में लगा के, तुम एक्सटर्नल लगाओ या फिर तुम्हारे मदरबोर्ड में स्लॉट में नहीं दिया हुआ है तो तुम ऐसा कुछ करो, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली तुम्हें चिप मिलता है। बाय द वे मेरे पास आई थिंक मेरे पास है वो चीज़, मैं नॉर्मली इसमें स्लॉट लगा लूँगा एंड मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा फ़ैन का मुझे पिन देखने हैं। ओके, ऊपर टॉप में नहीं दिया हुआ है, ये साइड में टॉप में दिया हुआ है CPU Fan 1 CPU Fan 2, अगर CPU में लगता है तो उसके लिए Fan 1 Fan 2 है, अदरवाइज कैबिनेट का Fan 1, 2, 3 है और एड्रेसेबल LED एक है, एड्रेसेबल LED एक इधर है और दो इधर है, 3 RGB फैन कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, बढ़िया पीस है भाई। अभी हम बिल्ड करने का मन कर रहा, बट अभी प्लान बन रहा नहीं है बिल्ड करने का, बट करेंगे। तो अगर कंटेंट अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही तगड़ा PC बिल्ड होने वाला है, उसका ऑलरेडी हो चुका है, उसका मदरबोर्ड भाई वारंटी भी ले रही नहीं है तो इसके लिए मुझे दूसरा मदरबोर्ड लेना पड़ा, उसको भी भाई करेंगे कंप्लेन वम्प्लेन जो भी आएगा करेंगे, अपना खींचेंगे लंबा वाला उसको भी, लेकिन उससे पहले भाई इसको अपने PC बिल्ड वगैरह बना के चाहिए, उसको तो बाद में गांड मारेंगे ASUS वालों की, या ऐसा होगा अगर ये बकचोदी किया तो फिर देखेंगे क्या करना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, हैव अ ग्रेट डे।